वायलेंस एंड सुसाइड इन स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं या लोग हमारे यहाँ आके इलाज करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में वायलेंट पेशेंट जो है वो बहुत कम है, वैसे देखा जाए तो। मतलब जो पागलपन की बीमारी है जिसमें हिंसा कर रहे पेशेंट, वो बहुत कम है। जिनको शक है, शक का स्किज़ोफ्रेनिया, शकीला स्वभाव जिनका है और शक की, शक का मतलब पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है या पैरानॉइड साइकोसिस, वो वायलेंट हो सकते हैं। या फिर जिनको पहले क्रिमिनल मतलब फौजदारी स्वरूप का उनका पहले स्वभाव है और क्राइम मतलब है क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका है और स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, वो हिंसक हो सकते हैं। अल्कोहल लेने वाले जो लोग हैं उनको स्किज़ोफ्रेनिया है तो वो हिंसक हो सकते हैं। या सब्सटेंस लेने वाले मतलब कैनाबिस या बाकी अलग तरह की जो दवाइयाँ हैं, मेडिकेशंस, वो लेने के बाद में यदि स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो वो लोग हिंसक हो सकते हैं। तो अल्कोहल, सब्सटेंस एब्यूज, कोई दवाई लेना, कैनाबिस, भांग वगैरह जो है वो, चरस, या फिर क्रिमिनल जिनका रिकॉर्ड है वो, या फिर पैरानॉइड साइकोसिस, वो लोग हिंसा कर सकते हैं। अदरवाइज स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट जो है वो विड्रॉ हो जाता है, वो अकेला बैठना ज़्यादा पसंद करता है, अकेला अकेला रहेगा, लोगों से ज़्यादा मिलजुल के नहीं रहेगा, अकेला बैठेगा, कमरे में बैठेगा, किताबें पढ़ेगा, कुछ काम नहीं करेगा, उसको काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसके चेहरे के ऊपर ऐसा कोई भावताव नहीं रहता, हाव भाव नहीं रहता उसके चेहरे के ऊपर, और वो लोगों से बातचीत नहीं करेगा, बातचीत करेगा तो वो सेंटेंसेस जो है वो टूट टूट के आएंगे, ताकि लोग भी फिर बातचीत नहीं करना चाहेंगे, ऐसा रहता है स्किज़ोफ्रेनिया का। तभी भी स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट या साइकोटिक पेशेंट है, उससे साइकेट्रिस्ट ने बच के रहना चाहिए। तो वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी भी मार सकता है। खुदकुशी स्किज़ोफ्रेनिया में होना वो भी हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के जो रुग्ण है उसमें से 10% लोग सुसाइड करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कभी ऐसा बोलता है कि नहीं, मुझे सुसाइड करने की इच्छा हो रही है, या थ्रेट कर रहा है, धौंस दे रहा है सुसाइड करने की, खुदकुशी करने की, तो उसको गंभीरता से लेना जरूरी है। तो पागलपन की बीमारी जिसमें वायलेंस होना, वायलेंट पेशेंट हो जाना, अकेला रहना, या फिर सुसाइड का थ्रेट देना, इससे रिलेटिव जो है उन्होंने मतलब सतर्क रहना जरूरी है कि वे कुछ भी कर सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट टाइम पे देना, मेडिकेशंस देना, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, साइकोथेरेपी, ये सब हम देते हैं तो रुग्ण अच्छा हो सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।